अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, इट इज येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बेक पार्लर पास द टाइम। कहते हैं कि खवातीन के लिए खाना बनाना एक काम है, लेकिन एक्चुअली ये काम नहीं बल्कि फन है। आहा, नहीं नहीं नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फन इंग्लिश वाला है तो ऐसा हरगिज नहीं है, ये है उर्दू वाला फन। और बेक पार्लर की ये कोशिश है कि आप भी अपनी कुकिंग को फन का मुजाहरा बनाकर पेश करें सबके सामने। तो आज हमने भी यही चाहा है कि हमारी ये जो बेक पार्लर 3-in-1 रेसिपी है, जिसमें 20 डिफरेंट डिशेस मौजूद हैं, तो एक डिश आपके लिए यहाँ पे पेश की जाए। और इस डिश का नाम है समोसा मैक्रोनी। और इसको बनाने के लिए ऑफकोर्स मैं दावत दूंगी शेफ महबूब खान साहब को, सो तालियों में आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुश आमदीद। हमारी ये रेसिपी, बहुत हमने इस पे काम किया समोसा मैक्रोनी के साथ, और बहुत ही अच्छी रेसिपी डेवलप हुई। इजी है और मेकिंग इसकी बहुत इजी है, लेकिन इसकी एक और सबसे ख़ास बात यह है कि एक पैकेट में तकरीबन 40 से 50 समोसे बनते हैं, विच इज़ अ लॉट। सबसे पहले आ जाएंगे इसकी रेसिपी की तरफ। तो जी, अब हम शुरू करते हैं और पूछेंगे इनसे कि स्टार्ट इसका कैसे लेना है। स्टार्ट ये होगा कि सबसे पहले तो आपने 2-in-1 रेसिपी मिक्स समोसा मैक्रोनी का लेके इसका पैकेट जब आप खोलेंगे तो आपको अंदर से दो चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगा पास्ता का पैकेट और उसके साथ साथ ये स्पाइस सा। पास्ता अगर आप देखेंगे तो ये छोटी छोटी सी एल्बो मैक्रोनी है। एक तो एल्बो मैक्रोनी का बड़ा साइज़ होता है, ये उसका छोटा साइज़ है। और ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, पानी बॉयल हो चुका। इसमें हम हसबे मामूल जब भी पास्ता बॉयल करते हैं तो इसमें नमक का इस्तेमाल ज़रूर, एक टीस्पून भर के हमने इसमें दिया। और इसके बाद ये पैकेट खोल के इसमें हम शामिल कर देंगे। कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट है। बेहतर होगा कि आप सिर्फ पानी को बॉयल करें। 6 मिनट इस वजह से कहा गया है कि कभी कभार अगर आपका टाइम थोड़ा बढ़ भी जाए तो फिर उसमें सेफ्टी है, लिहाजा 5 मिनट के इसको एक दफ़ा चेक कर ले। और पास्ता शामिल करने के बाद ज़रूर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ले ताकि आपस में पास्ता चिपके ना। ये काम अब होता रहेगा। इन द मीन टाइम हम आ जाएंगे हमारे तरफ, जो कि बहुत ईजी है, बहुत आसान काम। पैन ऑन कर दिया और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और साथ ही साथ हम 2 से 3 जवे लहसुन लेके इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के लगभग चॉप किया हुआ बारीक लहसुन। और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 300 ग्राम कीमा चिकन का। आप चाहें तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं इसको, चाहें तो फिश मिंस यानी मछली का जो कीमा होता है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं, और इवन इसी समोसे की फिलिंग में अगर आप आलू बॉयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बॉयल्ड आलू को मैश करके उसमें पास्ता मिक्स कर दें, स्पाइस साशे मिक्स किया होगा, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। कीमा शामिल करने के बाद इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए पकाना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें इसकी मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, अब इसमें हम आ जाएंगे स्पाइस की तरफ। साशे, ये कंप्लीट पूरा साशे हमने इसमें डाल दिया और इसको अब हम करेंगे मिक्स। लेकिन मिक्सिंग हमने इस तरह करनी है, थोड़ा सा इसको खोलना पड़ेगा फौरन, अगर ये चिपक गया। मुझे मिक्सिंग में बड़ा मज़ा आता है ना वो। हाँ, लेकिन इसको सारे कीमे को तोड़ना अच्छा, पड़ेगा। ओके। क्योंकि अगर ये अभी इस स्टेज पे नहीं टूटा तो आगे जाके फिर इसका तोड़ना थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, जरा तकलीफ जहमत ज्यादा हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। राइट, ठीक है, इसको हमने कर लिया मिक्स अच्छी तरीके से। अच्छा, कोशिश करना है कि जितना कीमा है इसमें मसाला अच्छी तरीके से कोट कर जाए। पानी इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होगा, और हम कोशिश करेंगे कि मिक्स जितना ड्राई रहे उतना ज़्यादा बेहतर होता है। जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप समोसे बनाते हैं और फ्रीज करते हैं और बाद में आप इसको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि समोसे टूट रहे हैं। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, और वो नमी आमतौर पर जब समोसे के अंदर हम इसकी फिलिंग कर देते हैं तो नमी निकलती है और इसकी पट्टी को बिल्कुल नरम कर देती है।
तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही पैकेट में आपको यहाँ पे मैक्रोनी भी है जो कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है, और यहाँ पे स्पाइस भी है यानी कि मसाला भी मौजूद है। आपको सिर्फ बाहर से वो पट्टी लेकर आनी है और कुछ भी नहीं करना। पास्ता का कुकिंग का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये तैयार हो जाए फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना जल्द हो सके। इसे नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये मिक्स रेडी हो गया और हमने अब इसमें सिर्फ आखिर में हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, अगेन अगर आप थोड़ा इसको ज़रा एक्स्ट्रा स्पाइसी करना चाहते हैं तो। मुझे वैसे भी समोसे में हरी मिर्च का जायका बहुत पसंद है, बड़ी वाली शामिल कर दें अगर आप तीखापन कम पसंद करते हैं, और 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज ये भी इसमें हमने शामिल कर दिया। तो इसमें हम थाई मिर्च नहीं डालेंगे, रेड वाली। वो आप बहुत ज्यादा तीखा चाहिए तो फिर और वो भी शामिल कर लीजिए, नॉट स्पेशलिटी है ना, बैड आइडिया। और थोड़ा सा इसमें धनिया बारीक कटा हुआ, वो बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, पकाएंगे नहीं इसको, अदरवाइज इसका फ्लेवर जायका सारा का सारा चला जाएगा। तेज आंच पे इसको हमने करना है मिक्स, दैट्स इट। उसके बाद हम इसका चूल्हा कर देंगे बंद, और बारीक कटा हुआ धनिया तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें इसको कर दिया मिक्स। अच्छा, इसको हमने अभी मिक्स रेडी हो गया हमारे पास ये, और हमने सिर्फ इसमें पास्ता मिक्स करना है, लिहाजा डायरेक्ट पास्ता लेके आप इस धीमे में मिक्स कर देंगे। देयर यू गो, मिक्स किया, और इसको ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे, और 5-10 मिनट इसको चाहिए होंगे जब तक ये ठंडा होगा, क्योंकि ये गरम मिक्स है, इससे आप समोसों को फिल नहीं कर सकते। अगर आप इस टाइम इसको भरेंगे समोसों को तो नहीं, इवन इसका जो नमी है गर्मी होने की वजह से ये पट्टी वैसे ही बहुत जल्दी नरम पड़ जाएगी बाय द टाइम इसको आप फिल कर रहे होंगे। सो इट्स मच बेटर कि मिक्स थोड़ा ठंडा हो जाए। अच्छा जी, इसका काम हुआ ख़त्म, इसको हम कर देते हैं एक तरफ, और अब आ जाता है दूसरा काम, यानी समोसों के लिए जो हमने फ्राइंग करनी होगी वो फ्राई पैन आ जाएगा, इसके साथ साथ इसमें तेल आ जाएगा, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप समोसे बना रहे हो, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो अमूमन बहुत सारे लोगों को शायद उसका आइडिया नहीं होता कि जो समोसों की पट्टी को हमने सील करना है उसको कैसे करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैदा लेके और मैदे में पानी शामिल करते हैं और इसकी वो लई सी बन जाती है जिससे वो समोसों को सील करते हैं, लेकिन ये लई इफ़ेक्टिव नहीं होती। यानी अगर इसको आप कुछ दिनों के लिए रखेंगे, समोसों को फ्रीज करेंगे, तो जब बाद में निकालेंगे तो ये इतनी सही तरीके से चिपकती नहीं है, और आम तौर पे समोसे खुल जाते हैं साइडों से। इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैदे में 1 अंडा शामिल करके उसको थोड़ा फेंट लें और मिक्स करें, और उससे उसकी जब लई बनाएंगे वो ज़्यादा देरपा होती है, ज़्यादा देर तक चिपके रहते हैं, और वो समोसे अगर आप 1 हफ्ता 10 दिन बाद भी फ्रीज़र से निकालेंगे और डीप फ्राई करेंगे तो वो खुलेंगे नहीं। लिहाजा हमने भी क्या ये किया कि मैदे में हमने अंडा एक शामिल करके ये इसकी लई बन गई, मिक्स हमारे पास आ गया। अब हम निकाल लेते हैं समोसा पट्टी और इनको फिल करते हैं। अच्छा, इसके लिए एहतियात ये ज़रूर करें कि अच्छी तरीके से चेक कर लें कि डबल ना हो जाए। डबल अगर हो गई तो आप जिस साइड को लई लगाएंगे वो चिपक जाएगी, दूसरी साइड खुल जाएगी, बाद में आपको प्रॉब्लम होगा। कुछ दिनों पहले हमने शूट किया तो कुछ ख़वातीन ने इसको ऐसे तिकोन बना लिया था, फिर इसको सील किया था। हम जिस तरीके से बनाते हैं, हम सिंपल एक तिकोन ये बना, फिर इसके बाद ये बना, फिर ये बना, और ये पॉकेट बन गई इसकी। फिर आपने इसके टीस्पून से इसमें फिलिंग करनी है, और फिलिंग इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब मोटा सा समोसा हो जाए, शुड बी वेरी बैलेंस्ड। हाँ, लेकिन कोशिश करें कि जब आप इसके अंदर फिलिंग करें तो थोड़ा सा चम्मच से इसको दबा दें ताकि हाँ, ये जो कोना है इसमें कुछ ना कुछ आ जाए, अदरवाइज आम तौर पे मैंने देखा है कि ये कोना जो होता है ये खाली होता है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, और इसके बाद ये साइड जो बची हुई है इसमें आपने लई लेके पूरी पट्टी पे देखें, जितना स्पेस जो पट्टी नज़र आ रही है आपको इस पूरी पे लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके समोसा अच्छी तरीके से सील होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोना अगर रह गया तो उससे क्या होता है कि जब ये समोसा आप सील करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से इसमें गैप होने की वजह से यानी लई नहीं लगी होगी तो वो चिपक सही नहीं पाएगा, खुल जाएगा, फिलिंग बाहर आ जाएगी इस तरीके से। अच्छा, इसलिए मैंने स्मार्ट समोसा है ये। हाँ। अच्छा जी, जैसे ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट सी डिश है यानी कि समोसा मैक्रोनी, इसी तरह से है पास्ता कबाब, जो बेक पार्लर ने एक न्यू डिश इंट्रोड्यूस करवाई है, और मैं यही सोच रही हूँ कि नाम लेने से एक बहुत ही प्लेजेंट सा इफेक्ट आ रहा है कि बहुत डिलिशियस सी डिश होगी। तो हम कब ट्राई कर रहे हैं?
बहुत जल्द इंशाल्लाह। और जिस तरह हमने देखें बहुत सारी रेसिपीज ट्राई कर ली, अभी भी काफी सारी बाकी हैं और एक एक करके हम सारी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ऑफकोर्स मैं आपसे पूछ रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ खुद पूछते हुए, सवाल पूछते हुए, कि यहाँ जो हमारी खवातीन, हमारी ऑडियंस मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके भी दिलों में बहुत सारी बातें होंगी, क्वेश्चंस होंगे इस डिश को भी लेके और वैसे भी बिसाइड्स, तो क्यों ना मैं आप लोगों के पास आऊँ और बाय द टाइम आप ये समोसे रेडी करें साथ साथ इनके सवालों के जवाब भी दे दें। बिल्कुल, चले जी मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। सर आपने बोला कि हम लोग डिफरेंट टाइप के ना इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, तो चीज डालेंगे, अगर चीज उसको फ्रिज में फ्रीज कर देंगे तो उसका फ्लेवर चेंज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपने कभी चीज फ्रीज की है? नहीं सर, मैंने पहले एक दफा स्पेगेटी में ऐड किया था, तो उसको मैं के एक आवर के मैंने रख दिया था, भाई नहीं आया था घर पे, तो उसका फ्लेवर चेंज हो गया था। पनीर कौन सी डाली थी आपने? कॉटेज चीज थी, चेडर थी, क्या थी? चेडर चीज थी। अच्छा, चेडर चीज की बात नहीं करे, कॉटेज चीज का फ्लेवर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। और अगर आपने इन केस पास्ता में चेडर चीज डाल दिए, टेस्ट का इतना इशू नहीं होता, मेल्ट हो जाती है और उसके बाद उसकी थोड़ी सी जरा, जिस तरह कच्ची होती है उसके बाद मेल्ट होने के बाद उसका थोड़ा जरा टेक्सचर चेंज हो जाता है, बट फ्लेवर इतना चेंज। और कॉटेज चीज जो हम इस्तेमाल करने के लिए जिसका मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगी। जी तो अब यहाँ से और कौन है, प्लीज हैंड रेज कीजिए, मुझे बताइए कौन क्या पूछना चाहता है आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो पट्टी में आपने समोसा बनाया है, ये पट्टी कभी कभी हम लोग जब फ्राई करते हैं इसको तो नरम क्यों हो जाती है इसकी? इसका अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि एक तो जब इसका मिक्स बनाए, इसकी फिलिंग बनाए, इसको खुश्क होना चाहिए इसकी फिलिंग को। अगर इसमें पानी होगा, नमी होगी, तो ये समोसा जब आप इसको भरेंगे तो ये अंदर से भी नरम पड़ जाएगा। दूसरी चीज, अगर ये मिक्स बहुत गर्मा गर्म आपने इसके अंदर भर दिया है तो भी इसकी नमी की वजह से ये पट्टी नरम पड़ जाती है। जी जी खान साहब, तो कमिंग बैक टू यू। अच्छा, अब हमने तरीका इसका ये करना है कि अगर तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो ये नतीजा ये होगा कि जब आप समोसा फ्राई करेंगे तो ये समोसा ऊपर से एकदम कलर इसका आ जाएगा और अंदर की जो तय वो कच्ची रह जाएंगी। और अगर आपने बहुत ठंडे तेल में इसको डाल दिया तो नतीजा क्या होगा कि आपका समोसा इतना ऑयली हो जाएगा कि आप बाजार में, आपने देखा होगा रमजान में खासतौर पे अगर आप बाजार के समोसे या इवन घर के ही बने होते हैं तो उसमें से घी टपक रहा होता है पकने के बाद भी, यानी प्लेट में ही पड़ा होगा तो बिल्कुल घी से भीगा होता है। ये इसकी वजह ही होती है कि आपने बहुत ठंडे तेल में इसको शामिल कर दिया, लिहाजा तेल का दर्जा हरारत नहायत जरूरी है। आप एक छोटा सा पीस डाल के इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद अगर इसमें बुलबुले बन रहे हैं और छन करके आवाज आ रही है। हाँ, बहुत हल्की, बहुत ज्यादा तेज भी ना हो, ये देखें थोड़ी देर के अंदर ये राइट टेम्परेचर है इसका और इसी टेम्परेचर पे आपने इसको फ्राई करना है। बहुत तेज आंच पे अगर फ्राई करेंगे आ जाए। मुझे बहुत मजा आता है डालने में। और ये बल्कि आप कर ले काम। हाँ। अच्छा, अब इसका फ्राइंग का जो तरीकाकार है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको कितनी कितनी देर बाद पलटना है। बहुत बार बार नहीं पलटना है और ये भी ना हो कि एक साइड को आपने बहुत टाइम दे दिया और दूसरी साइड को नहीं दिया तो वो भी नतीजतन एक जैसा कलर इसके ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, ये समोसे फ्राई करते हुए मुझे फीलिंग आ रही है ये कि रमजान आ गए हैं। हाँ। इफ्तार होने वाला है बस शुरू, थोड़ा सा टाइम रह गया। एक और खास बात ये कि बेक पार्लर की एक बहुत जबरदस्त रेंज रमजान के हवाले से बहुत अच्छी है, जिसमें समोसा, मैक्रोनी हो गया, पास्ता चाट हो गया, एक पास्ता कबाब, अफगानी आश, मैक्रोनी चाट और समोसा मैक्रोनी। जी ये बहुत सारे नाम हैं जो हमने इकट्ठा ले लिए, एक साथ ले लिए, लेकिन ये सारी अलग अलग डिशेज हैं जिसमें कि आपको बहुत कुछ नेम्स आपको अपने अपने से लग रहे होंगे, जैसे कि कबाब है, चाट है, समोसा है, अफगानी आश जो है ये एक अफगानी डिश है जो कि इतनी ज्यादा आप लोगों ने शायद यहाँ नहीं बनाई होगी, नहीं खाई होगी, नहीं टेस्ट की होगी, लेकिन ये भी बेक पार्लर ने इंट्रोड्यूस करवाई है। अपनी इन 20 रेसिपीज में से एक रेसिपी इसकी भी है और आपको एक डिश ये भी बनाने को मिलेगी, तो इस रमजान में आपके लिए बहुत कुछ है ट्राई करने के लिए। अच्छा, इनको समोसों को आपने बहुत ज़्यादा तेज रंग नहीं होने देना, उसकी वजह ये कि जब इसको आप निकालेंगे तब भी इसमें ऑयल होने की वजह से इसका कलर थोड़ा सा ज़रा तेज़ होता जाएगा, लिहाजा थोड़ा सा आपको इसमें कलर में गुंजाइश हो आप निकाल लें, बहुत ज़्यादा इसको ना पकाएं। और ये कोशिश करें ऑयल दर्जा हरारत अगर सही होगा तो ये ऑयल बहुत पतला हो जाता है और आसानी से देखें इसमें से निकल जाएगा, अदरवाइज। और इसको बहुत ज़रूरी है कि किचन अब्सॉर्बेंट पेपर किसी ऐसे चीज पे जरूर निकालें ताकि इसका एक्सेस तेल भी निकलता जाए। चैलेंज ये हो गया काम सारा, अब इसको निकाल लेते हैं और
किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए, और इसके बाद हम एक प्लेटर लेके इसके ऊपर इसको सजा देंगे और ये आज की हमारी बहुत ही मजे की चटपटी रेसिपी तैयार होगी। यस, नो डाउट। और इन समोसों के साथ एक चीज़ वैसे तो ज़बरदस्त चलता है, चिली गार्लिक सॉस केचप, लेकिन बेक पार्लर की ग्रीन चिली सॉस जो है, ग्रीन चिली चटनी जिसको हम कह सकते हैं, इट टेस्ट अमेजिंग। व्हाट आई विल डू, ओह ये इसकी बहुत ही मज़े की चटनी और इट टेस्ट जस्ट अमेजिंग, ग्रीन चिली चटनी बेक पार्लर की। और अभी जब मैं इसको पोर कर रहा था, इसकी जो खुशबू आई है मेरे मुंह में पानी भरा है, और मेरे ख्याल में से ये मैं फौरन और हकीकत में इसमें 2-3 समोसे जरूर खाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रही हूँ और मुंह में इनके वाकई पानी आ गया, बिकॉज हरी चटनी की बात ही कुछ और होती बिल्कुल। है। और अच्छा, ये समोसे बहुत क्रिस्पी भी लग रहे हैं देखने में, क्योंकि वो सारा जो एक्सेस ऑयल था वो एब्जॉर्बिंग पेपर ने ले लिया, और इसीलिए वो जो हमारे सवाल थे जो हमारे ऑडियंस ने किए थे कि क्यों नरम हो जाते हैं, तो यहाँ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा भी दिया हमारे शेफ साहब ने कि ये देखिए बहुत क्रिस्पी है, और जो कि मैं अभी खा के भी आपको बताऊंगी बाइट लेके कि कितना क्रिस्पी उसका इफेक्ट आता है। तो जनाब क्या ख्याल है, हो जाए? बिल्कुल। तो जी मैं ट्राई करने वाली हूँ जनाब। हरी चटनी प्लस मैक्रोनी, ओ माय गॉड, सीरियसली अमेजिंग। तो जी अब होगा यहाँ पे कंपटीशन, तो यहाँ जितनी मौजूद खवातीन हैं उनमें से हम करेंगे सिर्फ 2 सेलेक्ट, और वो यहाँ आएंगी और हमारे कंपटीशन की होंगी पार्टिसिपेंट्स। लेकिन जनाब कोई मुश्किल मुकाबला नहीं है, हम तो चाहते ही नहीं है कि आपको किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़े, ना ही कुकिंग में और ना ही यहाँ आकर। तो जनाब करना वही है जो आप डेली सुबह करती हैं, अगर करती हैं तो, बट आपको यहाँ आके प्रूव करना होगा, बिकॉज अगर आप उठती हैं सुबह जल्दी तो आपको आता होगा बनाना ऑमलेट भी, बहुत ही देसी सा पाकिस्तानी ऑमलेट जैसे अंडा बनाते हैं। तो आइए जनाब, आइए और अंडा बना के दिखाइए, और जो बनाएगा अच्छा अंडा कम टाइम में उसको मिलेगा बेक पार्लर की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। जी तो हाथ उठाइए अपने और बताइए कौन कौन आना चाहता है। इतने सारे लोगों को मैं यहाँ नहीं बुला सकती क्योंकि वक्त भी कम है और जगह भी। तो जनाब आप आइए रेड कपड़ों में जो है, और आप जो है। अच्छा जी, कंपटीशन हमारा है तो बहुत इजी, यानी पाकिस्तानी ऑमलेट बनाना है अपने, जिसके लिए अंडा फेटा हुआ है, यहाँ पे नमक शामिल है, और जो पाकिस्तानी ऑमलेट में चीज़ें शामिल की जाती हैं वो भी रेडी है। लेकिन इसमें एक मुश्किल ये है कि एक तो आपके पास टाइम सिर्फ 2 मिनट हैं, दूसरी मुश्किल ये है कि ऑमलेट को साबुत रहना है, टूटना नहीं है, यानी जब आप इसको प्लेट में उतारेंगी तो ये साबुत हो, ये आपका चैलेंज है। तैयार रहे आप, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी जनाब, तो इस तरह से हमने कवर कर लिया है आपको, एक वहां है और एक यहाँ है, अब हम देखते रहेंगे कि फ्राइंग पैन में किस तरह से ऑयल पोर किया जा रहा है, कितनी स्पीड में काम कर रहा है और कितने सुघड़ तरीके से काम कर रहा है ना जी, ये भी बहुत काउंट करता है ना अब सब। बिल्कुल बिल्कुल, सब्जियों में काफी कंजूसी देखने में आ रही है। जी जनाब, तो अब ऑयल को आपने स्प्रेड कर दिया इस तरह से फ्राइंग पैन में ताकि हर जगह ऑयल चला जाए, ये भी एक अच्छी टेक्निक है जो नॉर्मली लोग नहीं कर रहे होते। टेम्परेचर जो है उसको आप कंट्रोल करके रखें, ये ना हो कि तेज आंच पे आपका ऑमलेट जल जाए। वेरी नाइस वेरी नाइस, आपका 45 सेकंड गुजर चुके हैं, ये लीजिए चम्मच। जी 2 मिनट का टाइम है इनके पास, जो कि अब था क्योंकि उसमें से बहुत सारा टाइम निकल चुका है इस सारे प्रोसेस में, और 45 सेकंड जो कि तब थे, यानी कि 5 सेकंड पहले, तो अब कुछ 40 सेकंड बाकी होंगे। सो लेट्स सी। और दूसरी चीज, ऑमलेट का राउंड होना निहायत जरूरी है, जो कि मुझे एक ऑमलेट जो है वो नजर नहीं आ रहा कि वो गोल है, अब मेरे ख्याल में लेट हो गया। चले आपके पास रह गए हैं 30 सेकंड, प्लेट्स इनको दे दें ताकि ये लोग निकाल सकें। प्लेट, ये आपकी सर्विंग प्लेट, और ये रही आपकी। ओ जबरदस्त, A1 बचत हो गई।
और ये अंडा तो टूट गया रास्ते में ही, तो वैसे ही हमने देख लिया और देख के अंदाजा हो गया कि कौन विनर है, लेकिन ये है कि कोई मसला नहीं जी जनाब। तो यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही ऑब्वियस है कि जो हमारे लाल ड्रेस में यहाँ खातून मौजूद है, इन्होंने विन कर लिया ये कॉम्पिटिशन। तो रेड कलर में जब रेड कलर का मैंने गिफ्ट हैम्पर दूंगी बेक पार्लर का, तो बहुत सजेगा। तो जी आप सबकी पुरजोर तालियों में ये गिफ्ट हैम्पर बेक पार्लर का जाता है इन्हें। प्लेजर, बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। पलटना झपटना, झपट के फिर पलटना और बनाना, उसकी तो क्या बात है। आजकल तो हर किसी को महारत हासिल है एक दूसरे को बनाने में, लेकिन जी हमें महारत हासिल है आपका दिल जीतने में। जिस तरह से हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं और जिस तरह से आपकी अप्रिसिएशन हमें मिल रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें उम्मीद है कि आप मजीद पसंद करेंगे हमारे इस शो को। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।